नमस्कार मैं हूं आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं रूस में बनी कोरोना की वैक्सीन के पहले बैच को आम जनता के लिए लॉन्च कर दिया गया है रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है बता दें कि रूस के गमेलिया रिसर्च सेंटर और रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने इस स्पुतनिक बी नाम की वैक्सीन को बनाया है रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस से बचने वाली स्पुतनिक बी वैक्सीन ने लैब में सभी जरूरी टेस्ट पास कर लिए हैं इसके पहले बैच को आम जनता के लिए रिलीज कर दिया गया है झारखंड में अगले पांच दिनों तक बारिश और वज्रपात की अलर्ट जारी किया गया है राज्य के कई इलाकों में इस दौरान भारी से मध्य बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर एस डी कोटाल ने बताया है कि राजधानी में वज्रपात के साथ बारिश हुई उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में ज्यादा वज्रपात हुई है वहाँ ज़्यादा बारिश हुई है बता दें कि नौ और दस सितम्बर को तेज बारिश के साथ वज्रपात की संभावना ज़्यादा है संशोधित सिलेबस अगले सप्ताह तक जारी मैट्रिक में हटाए गए गणित और विज्ञान सब चैप्टर स्कूली शिक्षा और सक्षरता विभाग अगले सप्ताह संशोधित सिलेबस जारी करने की तैयारी कर रहा है इसके तहत मैट्रिक में गणित और विज्ञान के विषय में पूरे चैप्टर नहीं हटाए गए बल्कि इनमें से सब चैप्टर की कटौती की गई है बता दें कि दोनों ही विषयों में वैसे टॉपिक जिसे घर पर खुद से पढ़कर समझ पाना छात्र छात्राओं चात्र के लिए आसान नहीं है उन सभी को हटाया गया है बता दें कि मैट्रिक की परीक्षा में गणित विषय में सिर्फ विलोपन विधि से ही सवाल आएंगे इसी विधि से छात्र छात्रा सवाल हल कर सकेंगे संशोधित सिलेबस के तहत गणित विषय में छात्र छात्राओं को ग्राफिकल सब ट्यूशन और क्रॉस मल्टिफिकेशन विधि से इस बार प्रश्न नहीं आएंगे झारखंड में छब्बीस सौ छिहत्तर नए संक्रमितों की पुष्टि हुई जो रांची से 210, पूर्वी सिंहभूम चार धनबाद एक सौ बानवे बोकारो तीन सौ पैंतीस रामगढ़ एक सौ नवासी हजारीबाग दो सौ दस गिरिडीह पैंतीस पश्चिमी सिंहभूम एक सौ सत्ताईस कोडारमा दो सौ चौरानवे पलामू उन्तीस सराय खरसावा खरसाबाद दो सौ अड़तालीस देवघर तीस गढ़वा पंद्रह सिमडेगा एक सौ सत्ताईस लातेहार सत्रह गुमला ग्यारह खूंटी काशी। साहिबगंज सात गोड्डा दस दुमका सत्रह लोहरदागा तीन पाकुड़ दस जामतरा से चार मिले हैं झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या पचपन हजार दो सौ छियानवे है जबकि उनचालीस हजार तीन सौ बासठ लोग स्वस्थ हुए और चार सौ छियानवे की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या तैतालीस लाख सड़सठ हजार चार सौ छत्तीस है जबकि तैतीस लाख छियानवे हजार लोग स्वस्थ हुए और तिहत्तर हजार नौ सौ तेईस की मृत्यु हो गई भारत में नए केस नवासी मिले हैं झारखंड में मंगलवार को 10 की मौत हुई है जो पूर्वी सिंहभूम से पाँच गोड्डा से एक रांची से दो पश्चिमी सिंहभूम से दो की मौत हुई है मंगलवार को 1812 लोग स्वस्थ भी हुए हैं एक्टिव केस इस प्रकार है रांची बत्तीस पूर्वी सिंहभूम तीन हजार तेईस धनबाद छः सौ तिरानवे गिरिडीह तीन बोकारो आठ चतरा दो देवघर दो सौ तीन दुमका दो सौ उनतीस गढ़वा एक गोटा एक सौ तीस गुमला तीन सौ सात हजारीबाग आठ सौ उनासी जामतड़ा एक सौ उन्तीस खुट्टी तीन सौ छब्बीस कोडारमा आठ सौ सतासी लातेहार तीन सौ उनतीस लोहरदागा एक सौ चौबीस पाकुड़ चौहत्तर पलामू दो सौ बयालीस रामगढ़ नौ सौ सतहत्तर साहेबगंज तीन सौ दो सरायकेला आठ सौ संतावन सिमडेगा तीन सौ अठारह पश्चिमी सिंहभूम पाँच सौ मरीज़ फिलहाल एक्टिव हैं रांची में नौ को चलेगा स्पेशल टेस्ट ड्राइव रांची जिला में 9 सितंबर को कोरोना संक्रमण जांच के लिए स्पेशल टेस्ट ड्राइव चलाया जाएगा कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर इस स्पेशल टेस्ट ड्राइव में जिले के पंद्रह हजार लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है बता दें कि इसे लेकर मंगलवार को मोराबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में मास टेस्टिंग ड्राइव के लिए बनाई गई टीम की ब्रीफिंग की गई पंद्रह लाख गरीब परिवार को हर महीने पाँच रुपये में पाँच के अनाज मुख्यमंत्री झारखंड सरकार ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया है हेमंत सोरेन की सरकार पंद्रह लाख गरीब परिवारों को हर माह पाँच रुपये में पाँच किलो अनाज देगी बता दें कि कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि जिन गरीब और जरूरतमंद परिवार को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा था वैसे पंद्रह लाख परिवारों को प्रति लाभुक हर महीने पाँच रुपये में पाँच के अनाज दिया जाएगा उन्होंने कहा इस बाबत आवेदक को ऑनलाइन आवेदन देना होगा और पंचायत एवं वार्ड में ग्राम सभा की बैठक में इस आवेदन को मंजूरी प्रदान की जाएगी बाबा मंदिर में लगेगा स्केलेन हाइपर चार्ट मशीन कोरोना वायरस संक्रमण को कम करने के मद्देनजर देवघर के बाबा मंदिर परिसर में दो स्केलेन हाइपर चार्ट मशीन लगेगा मंगलवार को धनबाद के श्रद्धालु अजय कुमार ने दो स्केट मशीन दान में दिए हैं बता दें कि इसमें से एक मशीन को मंदिर गर्भगृह में लगाया जाएगा वहीं दूसरे मशीन को बाबा मंदिर के मंझला खंड में लगाया जाएगा आपको बता दें कि इस डिवाइस के उपयोग से कोरोना वायरस को बेअसर किया जा सकेगा झारखंड के चार मेडिकल कॉलेजों का नाम बदला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई इस बैठक में अठाईस प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है इसमें से धनबाद के पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नाम बदलने के प्रस्ताव पर झारखंड कैबिनेट के में मुहर लग गई है <laughs> मालूम हो कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद का नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल करने की घोषणा की थी झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अठारह से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है इसकी तैयारी को लेकर मंगलवार को विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रताप ने सभा सचिवालय के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में सत्र की तैयारियों के साथ साथ कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर एहतियाती कदम सभा सचिवालय द्वारा उठाए जा रहे हैं इस विषय में भी विस्तृत चर्चा हुई बता दें कि झारखंड विधानसभा द्वारा सभी सदस्यों सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपना संक्रमण जांच सत्र आरंभ होने से पहले करा ले बहाली नहीं होने से आक्रोशित होमगार्डों ने लातेहार कलेक्ट्रेट गेट जाम किया बहाली की सभी प्रक्रिया पूरी कर लेने के चार साल बाद भी नियुक्ति नहीं होने से आक्रोशित होमगार्डों ने मंगलवार को समरणालय के मुख्य गेट को दो घंटा के लिए जाम किया बता दें कि इस दौरान गृह वाहिनी के अधिकारियों ने आक्रोशित होमगार्डों की समस्याओं को सुन जल्द ही सरकार द्वारा इस मामले में अब तक लिए गए निर्णयों से अवगत कराया होमगार्डों का कहना था कि ग्रामीण और शहरी गृह वाहिनी के लिए 450 गृह रक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन संख्या एक दो के तहत विज्ञापन निकाली गई थी झारखंड के रोजगार का मुद्दा ट्विटर पर ट्रेंड किया झारखंड में रोजगार का मुद्दा सोशल साइट पर खूब ट्रेंड हो रहा है सात व आठ सितंबर को झारखंड के युवाओं द्वारा रोजगार के अवसर को लेकर हजटैग हेमंत सरकार रोजगार दो अभियान चलाया गया था बता दें कि इस हैशटैग ने अब तक एक लाख से अधिक ट्वीट हुए हैं छात्रों ने हैशटैग के जरिए रोजगार के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है वहीं प्रत्येक ट्वीट को सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी टैग किया गया है आज से रांची एयरपोर्ट से बढ़ेगी तीन फ्लाइटें मुख्यमंत्री ने दी हरी झंडी रांची एयरपोर्ट से बुधवार से राज्य सरकार ने तीन फ्लाइटें बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है यह तीन फ्लाइटें मुंबई और हैदराबाद के लिए चलेगी बता दी कि दो फ्लाइटें मुंबई के लिए और एक फ्लाइट हैदराबाद के लिए बढ़ाई जा रही है इसमें से दो फ्लाइट गो एयर चलाएगा और एक फ्लाइट इंडिगो चलाने जा रहा है कोडारमा तिलैया केमिकल फैक्ट्री हादसे में झुलसे चार लोग रिम्स रेफर कोडारमा जिला अंतर्गत तिलैया थाना क्षेत्र के गजहंडी रोड इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित कोडारमा केमिकल फैक्ट्री में बेल्डिंग के दौरान मंगलवार सुबह करीब हादसा हुआ घटना में यहां कार्यरत मैकेनिक सहित चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए आशंका जताई जा रही है कि सिलेंडर फटने से उक्त हादसा हुआ झारखंड राज्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को हरे रंग का राशन कार्ड दिया जाएगा मंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उराव ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दिए जाने के लिए पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी और गठबंधन सरकार की ओर से प्रत्येक जरूरतमंद परिवारों को अनुदानित दर पर अनाज उपलब्ध कराने का वादा पूरा हुआ उरांव ने मंगलवार को कहा कि झारखंड राज्य सुरक्षा योजना के तहत तहतों को हरे रंग का राशन कार्ड दिया जाएगा झारखंड में 130 पुलिस उपाधीक्षक विभागीय कार्रवाई झेल रहे हैं इन पर आपराधिक में शामिल होने लापरवाही बरतने व अनुशासनहीनता सहित कई मामलों की प्रारंभिक जांच में पुष्टि होने के बाद पुलिस मुख्यालय से गृह विभाग को विभागीय कार्रवाई चलाने की अनुशंसा की गई जी। बता दें कि इन पर कई प्रकार के आरोप भी लगे हुए हैं जैसे रिश्वत लेना कोयला तस्करी को बचाना पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतना हथियार प्लांट करना और हिरासत में मौत सहित कई मामले में ए डीएसपी प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जा चुके हैं जीतिया व्रत के लिए नहाय खाए आज आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर बुधवार को नहाय खाए के साथ जीतिया व्रत शुरू हो जाएगा पूजा को लेकर व्रतियों ने तैयारी शुरू कर दी है बता दें कि मंगलवार को पूजन व नहाए खाए की सामग्री खरीदारी के लिए बाजार में चहल पहल रही आपको बता दें कि इस व्रत को माताएं संतान की लंबी आयु रक्षा आरोग्यता सबलता सुख समृद्धि एवं कष्ट मुक्ति की कामना के लिए करती है साध्वी दुष्कर्म मामले में आरोपियों को गिरफ्तार का मुख्यमंत्री ने दिया आदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपायुक्त गोड्डा को साध्वी के साथ हुए दुष्कर्म मामले की जांच कर घटना में सम्मिलित तो लोगों के खिलाफ यथाशीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री को पुलिस अधीक्षक ने अवगत कराया कि मामले को संज्ञान में लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को जानकारी मिली थी कि गोड्डा महर्षि में ही आश्रम की एक साध्वी के साथ अज्ञात अपराधियों ने देर रात सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है झारखंड में हेडमास्टरों की कमी पर मंत्री बोले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य में बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार संकल्पित है शिक्षकों की भी सुविधाओं के प्रति विभाग गंभीर है सूबे में हेडमास्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा लंबे समय से शिक्षकों का प्रमोशन लटका है उस पर भी ध्यान है उक्त बातें सोमवार को बोकारो जिला के बेरमो में राम न प्लस टू उच्च विद्यालय में एक दशमलव दो आठ करोड़ की लागत से बीस कमरों के निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद शिक्षा मंत्री बोले रहे थे लोहरदगा में 50 लाख का 550 केजी गांजा पकड़ाया लोहरदगा जिला पुलिस ने गांजा की अवैध तस्करी के मामले में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है लोहरदगा जिला के कुड़ू थाना क्षेत्र से एक ट्रक गांजा बरामद किया गया है बता दें कि ट्रक में लगभग 550 केजी गांजा है इसकी अनुमानित कीमत पचास लाख रुपए बताई जा रही है झारखंड उपचुनाव में जदयू ने भाजपा से मांगी एक सीट झारखंड में विधानसभा चुनाव भाजपा से अलग होकर लड़ने वाली जदयू पार्टी ने अब भाजपा को दुमका व बेरमो उपचुनाव साथ लड़ने का प्रस्ताव दिया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी सेगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष साल खान मुर्मू ने सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत तय है उन्होंने झारखंड में भी दुमका व बेरमो उपचुनाव भाजपा के साथ लड़ने का प्रस्ताव देते हुए पचास पचास का फार्मूला दिया कोडारमा में जांच के डर से फरार हुए दुकानदार कोडारमा के गांधी चौक के पास कोरोना जांच को लेकर मंगलवार को शिविर का आयोजन किया गया लेकिन जांच के डर से कोडारमा बाजार के तमाम व्यवसायियों ने अपनी अपनी दुकानों और प्रतिष्ठान बंद कर फरार हो गए बता दें कि कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से जिले भर में बत्तीस जगह पर कैंप का आयोजन कर दस हजार लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया था झुंगी झोपड़ी दुकानदार लीजधारियों को मालिकाना हक मिले रांची के सांसद संजय सेठ ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अर्जुन मेघवाल से मिलकर एचईसी के जमीन पर कई वर्षों से रह रहे झोंगी झोपड़ी अस्थायी एवं अस्थायी दुकान और आवास लीज धारकों को मलिकाना हक हाँ देने की मांग की है बच्चे को तत्काल सहायता के लिए वन जीरो नाइन एट कॉल सेंटर की शुरुआत रामगढ़ जिला में मुसीबत में फंसे बच्चे की सहायता के लिए चाइल्ड लाइन सेंटर की शुरुआत की गई है कोई भी व्यक्ति या बच्चा स्वयं टोल फ्री नंबर वन जीरो नाइन एट पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकता है इस नंबर पर फोन करते ही मुसीबत में फंसे बच्चे को सहायता देने के लिए अधिकारी पहुंचेंगे यह बात मंगलवार को चाइल्डलाइन सेंटर का उद्घाटन करते हुए डीसी संदीप सिंह ने कही सरना धर्म कोड पर झारखंड सरकार रेस झारखंड सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में सरना धर्म कोड पर प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है अरसे से इसकी मांग हो रही है और सभी राजनीतिक दलों के एजेंडा में यह मांग है विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2021 की जनगणना में आदिवासी समुदाय के लिए अलग से सरना धर्म कोड सम्मिलित करने की मांग की जाएगी विगत विधानसभा चुनाव में भी सभी प्रमुख दलों के घोषणा पत्र में यह शुमार था यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर शेयर करें आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं थैंक यू